छत्तीसगढ़ के कोरिया के बरबसपुर में महिला सरपंचों द्वारा प्रधानमंत्री स्वच्छता अभियान के तहत क्षेत्र के लोगों को स्वच्छता का संदेश दिया जा रहा है। यहां सरपंच स्वच्छता की अलग जगाते हुए प्रचार प्रसार कर रहे हैं, साथ ही लोगों को समझा रहे हैं कि शौचालय का उपयोग करना चाहिए। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के डॉक्टर SN गुप्ता के मुताबिक सरपंच से प्रभावित होकर क्षेत्र के लोग स्वच्छता का ध्यान भी रख रहे हैं, जिससे क्षेत्र में बीमारियों में भी कमी आई है। पहले हम लोग को बाहर जाना पड़ता था, इससे हम लोग यही लाभ है कि घर में यूज करना, बाहर नहीं जाना पड़ता है। हाँ, अच्छा, घर में शौचालय दे रहे हैं, तो बाहर जाना नहीं पड़ता। सब ये सब जगह खेत है, जगह नहीं लेडीज है, सुविधा शासन घर घर में शौचालय बना रहा है, इससे आप लोगों को फायदा मिल रहा है? हाँ, फायदा ही है, मतलब हमें बीमारियों से भी वो मिल रही है, सुरक्षा हो रही है। बरबसपुर ग्राम पंचायत में कम से लगभग 300 तक बना है। ग्रामीणों को बहुत लाभ मिल रहा है यहाँ पे। पहले जैसे थे कि बाहर में जाते थे, बाहर जाने से गंदगी होता था और जो भी सब बीमारियाँ आती थी, अब जैसे शौचालय बन गया है तो सब शौचालय में उपयोग करते हैं, तो उसका बाहर से कोई गंदगी नहीं है। शासन की योजना से अब लाभ मिल रहा है, शौचालय है, अब सब महिलाएं को बाहर जाना नहीं पड़ता है, सब शौचालय में ही उपयोग कर रहे हैं और बीमारी गंदगी से ही बचत हो रहा है। स्वच्छ भारत मिशन में के कारण लोगों को साफ सफाई से रहने की आदत पड़ गई है, खुले में शौच लोग नहीं करते हैं, जिससे कि पानी प्रदूषित नहीं होता है। अब पानी का प्रदूषण रुकने से लोगों को पानी के कारण होने वाली बीमारियों से बहुत लाभ मिला है, जैसे टट्टी उल्टी और टाइफाइड, पीलिया, इस तरह की बीमारी भी लोग कम ग्रस्त हो रहे हैं और मरीजों की संख्या इस तरह की बीमारियों की हमारे अस्पताल में कम हो रही है। और मैं स्वच्छ भारत मिशन का स्वागत करता हूँ।